आज आपका यहाँ आना वही मामूली ये मीटिंग नहीं है, ना मामूली धरना है। आपने आज इतिहास बनाया है, जिस रूप में देश में संविधान की ध्वजा उड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया वाच कर रही है आपको। हिंदुस्तान जहाँ पर महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद जैसे नेताओं ने और डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने इस देश को लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, और 75 साल तक हम लोग इस देश को एक रखे, अखंड रखे। इंदिरा गांधी जी की जान चली गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश एक रहा, अखंड रहा, उनका सीना छलनी हो गया। राजीव गांधी जी पूरे उपमहाद्वीप में चाहते थे शांति रहे, वे शहीद हो गए। इतने बड़े त्याग बलिदान आजादी के जंग में भी हुए, आजादी के बाद में भी हुए। आजादी के वक्त में इन लोगों को क्या मालूम है जो आज टीका टिप्पणी करते हैं, मीर जाफिर कहते हैं। मीर जाफिर की तो ये लोग उस बिरादरी के हैं जिन्होंने आजादी जंग के अंदर अपनी उंगली भी नहीं कटाई, मुखबरी की अंग्रेजों की। आज वो अगर सत्ता में आए हैं तो लोकतंत्र किसने दिया देश को, जनता को माई बाप किसने बनाया? ये कांग्रेस ने बनाया, संविधान ने बनाया, ये नहीं भूलना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आज आप प्रधानमंत्री बने हो इस कारण बने हो, कुर्बानी हुई, त्याग हुए, बलिदान हुए, तब जाके मुल्क आजाद हुआ। कितने लोग जेलों में बंद रहे, लाठियां खाई, गोलियां खाई अंग्रेजों की। यही आपका इलाहाबाद का आनंद भवन, स्वराज भवन, मोतीलाल नेहरू के जमाने से ही वहीं पर बैठ के लड़ी लड़ी गई आजादी की। गांधी जी वहीं रहते थे, उस परिवार का त्याग बलिदान। जो पंडित नेहरू सालों जेल में बंद रहे थे, उनके बारे में जितना कहे उतना कम है। किस प्रकार मेरे पूर्व वक्तों ने कहा, आजादी के वक्त में पहले प्रधानमंत्री बने, उनकी नीतियां, उनकी दूरदृष्टि थी। आज देश आत्मनिर्भर है। पाकिस्तान की क्या हालात हो रही है आजकल, आप सुन रहे होंगे, पढ़ते होंगे, इतना रात दिन का फर्क है इस देश के अंदर। उस परिवार के लोगों ने जो त्याग बलिदान किए वो सबके सामने हैं। उसके नौजवान साथी राहुल गांधी जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद में यात्रा जहाँ 1 मार्च से थी, पर मैसेज उनका देश भर के हर प्रदेश के हर गांव में हर घर में गया। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा था। मुद्दा क्या था? बेरोजगारी का मुद्दा है, भयंकर मुद्दा है, जानते हम लोग। मुद्दा क्या था? देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो, बैठे रहे, हिंसा नहीं हो। और मुद्दा था अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं पड़े, यही मुद्दे थे। वो विपक्षी नेता थे, उन्होंने एक प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि आप इन मुद्दों पर ध्यान दो, ये मुद्दे उज्ज्वलित करते हैं, पब्लिक को दुखी करते हैं, लोग परेशान हो गए हैं महंगाई, बेरोजगारी सबसे, इस माहौल से। उनके सामने का अवसर था, अब वो चाहते तो इन मुद्दों पर ध्यान दे करके प्रयास करते सुधार करने का, वो तो बात कहीं गई। जब यात्रा निकल रही थी और जिस प्रकार पॉपुलरिटी बढ़ रही थी राहुल गांधी की, तभी उन्होंने षड्यंत्र कर लिया, किस प्रकार इस नौजवान को, इस नेता को षड्यंत्र करके किस प्रकार कमजोर करना है, और षड्यंत्र करने का इतिहास हमेशा आप इन्हें जानते हैं। उसी रूप में इन्होंने जिस प्रकार से खेल खेला, जवाब दे नहीं पाए, अडानी जी के ऊपर जो आरोप लगे और जो सवाल उठाए थे आपने देखे होंगे पार्लियामेंट के अंदर, 50 साल का मेरे राजनीति जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कोई मुद्दा आया हो, आरोप लगे हो और नेता उसका जवाब नहीं दे। ये पहला घटना है आजादी के बाद में जिसमें प्रधानमंत्री जी आरोपों का जवाब लेने के बजाय एक नाम तक अडानी जी का नहीं ले रहे। इससे और शक पैदा हुआ देशवासियों को,
और शक पैदा हो रहा है कि पहला प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहा जो आरोप लगाए राहुल गांधी ने, कुछ तो कहते बात आगे बढ़ती। ये पहला किस्सा जहां पर मौन धारण किए हुए प्रधानमंत्री जी, आप समझ सकते हो, और राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए। लंदन में आप क्या बोल के आ गए? अभी प्रमोद महाजन जी कह रहे थे, प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे किस प्रकार से आपने कोरिया में जर्मनी में क्या क्या बोले देश के बारे में। माफी तो आपको मांगनी चाहिए थी देश से, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, और राहुल गांधी से माफी मंगवा रहे हैं। जो बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो बातें जाकर वहां बोली। आज इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आप हम बैठे बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ चाहे तो दुनिया सुन सकती इसको। नई बात क्या बोली उन्होंने? तो जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास किया गया, और फिर आप देखिए उन्होंने कहा मुझे बोलने का मौका दो, मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, मैं खुद पार्लियामेंट में रहा हूं। नियम है पार्लियामेंट का भाई, आप कम से कम मेरे ऊपर आरोप लगाए, आपने सबने हाउस में हाउस चलने दिया, आरोप लगाए गए, मैं जवाब देना चाहता हूं। स्पीकर ने परवाह नहीं करी, वो क्या परवाह करेंगे? मोदी जी के सामने चाहे स्पीकर साहब हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई नेता हो, जो और बना रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके सामने जाके कोई बात सही कहता ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं कहने की, साथ नहीं जुटा पा रहे, मेंबर पार्लियामेंट हो या केंद्रीय मंत्री हो। इन हालातों में ये देश चल रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ रही देश में। मैं आपको बार बार कह रहा हूं देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। एक अवसर आपके सामने आया है ये जिसके लिए बैठे हुए हैं। आज राहुल गांधी इस देश के लोगों की आवाज बन के आगे आए हैं। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप उसको सुन लेंगे यूट्यूब के अंदर, अगर आपने नहीं सुना है तो कृपया करके जाके सुन लीजिए, आपको लाइन मिल जाएगी आगे आने वाले वक्त में हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी, उन्होंने देश के सामने अपना एजेंडा रख दिया है कि मुझे चिंता नहीं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर रहूं, मुझे देश ने सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी, आशीर्वाद दिया है, मैं चाहूंगा देश में लोकतांत्रिक रक्षा के लिए मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं लगातार बोलूंगा, चाहे अडानी जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। उन्होंने हमें एक मैसेज दे दिया है, अब हमारी ड्यूटी बनती किस प्रकार से हम लोग ड्यूटी को निभाएं, पब्लिक बीच में जाएं। और मुझे खुशी है खड़गे साहब ने और वेणुगोपाल जी ने जो प्रोग्राम दिए हैं, प्रियंका जी ने, आज पूरे देश के अंदर राज्यों में जगह जगह पर धरने चल रहे हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया राहुल जी ने कल बोल करके। अब हमारी ड्यूटी बनती है किस प्रकार से हम उनकी भावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ाएं, और राहुल गांधी की भावना को बढ़ाएंगे तो देश बच पाएगा। राहुल गांधी ने एक मौका दे दिया है देश को भी, देशवासियों को भी, कांग्रेसजनों को भी। यही वक्त है जब आप जिस रूप में फैसले हुए हैं, कोर्ट के डिसीजन हुए हैं, निष्कासित किए गए अविलंब 24 घंटे में, एक अवसर दिया है कि हम किस प्रकार देशवासी जो खुद परेशान हैं, दुखी हैं, मैंने कहा उनकी आवाज बन के राहुल जी निकले हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम देशवासियों को एहसास करवा दें। हम सब आपकी भावनाओं को समझते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुकाबला करेंगे, और देश में कैसे लोकतंत्र कायम रहे, मजबूत रहे, जो सपना देखा था हमारे नेताओं ने, उस पर हम सफल होंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ओबीसी की बात की गई, ये प्रयोग मैं आपको कहना चाहूंगा, ये प्रयोग प्रियंका जी मैं एक बात कहना, प्रियंका जी एक बात सुनो, मैं एक बात कहना चाह रहा था, ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोग किया था गुजरात के अंदर, जब राहुल जी गांधी जी कैंपेन कर रहे थे 17 के अंदर चुनाव में, तब एक प्रयोग किया था, मुझे नीच कह दिया, जब चुनाव में हारी थी पार्टी वहां पर, गुजरात चुनाव हारे थे वो लोग, आखिरी हत्या के रूप में उन्होंने कहा
मुझे कांग्रेस नेता ने नीच कह दिया है। देखो भाई और बहनों, मैं नीच हूं क्योंकि मैं ओबीसी का हूं। ये तो शक्ति सिंह ज्यादा बताएंगे आपको किस रूप में उन्होंने गेम पलटने के लिए क्या क्या बातें बोली। वो भ्रम जेपी नड्डा जो के हुआ हुआ है उनके नेताओं को, इसलिए जानबूझ करके परसों उन्होंने तय किया है आने वाले 6 अप्रैल से हम लोग अभियान चलाएंगे ओबीसी के बीच में। राहुल गांधी ने ओबीसी के नेता की बेइज्जती कर दी है। वो राहुल जी ने बेइज्जती कहा कर दी, वो ओबीसी के लोग हैं जो भागे गए हैं, नीरव मोदी हो चाहे ललित मोदी हो, ओबीसी के लोग हैं वो। तो भी बताइए, उनका बचा रहे हो, चोरों को बचा रहे हो और कह रहे हो राहुल गांधी ने बेइज्जती कर दी ओबीसी की। आप समझ जाइए, जो गुजरात में प्ले कार्ड खेला था उन्होंने, वो कार्ड खेलना चाहते देश के अंदर। कांग्रेस ने जो ओबीसी के लोगों को दिया है, SC ST को दिया है, कोई सोच सकता है? आजादी के वक्त से ही राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, आपको मालूम है? प्राइम मिनिस्टर बनते ही पहली बार उन्होंने पैरिटी किसको दी? आदिवासियों को दी। पूरे देश भर के अंदर वो उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में गए बताने के लिए मेरी पैरिटी सबसे गरीब आदमी, जो महात्मा गांधी ने कहा था, ये उन्होंने किया था। जान बूझ करके आप ओबीसी को गुमराह करने के लिए आप अभियान चलाना चाहते हो। RSS जानते हो किस प्रकार काम करता है, आपको सचेत रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या? मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बैठी है, तीन बार मैं मुख्यमंत्री हूं, ओबीसी का हूं मैं। और आपको जानकारी होगी या जानकारी होगी, खुशी होगी, मेरी कम्युनिटी का पूरी असेंबली में एक ही मेंबर है, एक ही सदस्य है असेंबली में। मेरी कम्युनिटी सैनी माली कहलाते हैं, उनका एक ही मेंबर है और वो मैं खुद ही हूं। बता दीजिए आप, एक है वो मैं खुद हूं, तो मुख्यमंत्री बनता हूं बार बार, इससे बड़ा क्या हो सकता है मैसेज ओबीसी के लिए? बगैर साहब ओबीसी के नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री किस मुंह से बात करते हैं, किस मुंह से लोगों को भड़काने के लिए पूरे देश में निकल रहे हैं लोग चुनाव आ रहे कर्नाटक के अंदर? ये ऐसे खतरनाक लोग हैं, इनका कोई विश्वास नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फासिस्ट लोग हैं, खाली जो है मुकुटा पहने हुए लोकतंत्र चुनाव जीतने के लिए। ये आपको हमको समझना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, आज आपने आके अपना इतिहास बनाया, खुद का ही बनाया है। ऐसी मीटिंगें बार बार नहीं होती है। आज चुनौती है कांग्रेस के सामने, देश के सामने, मुकाबला करें राहुल गांधी जी। इसलिए यहाँ पर धरना दिया गया है महात्मा गांधी की समाधि पर, उसमें हम सबका भाग लेना, आप सबका, हम सबका भाग लेना, अपना आप में एक इतिहास बनाना होता है। तो मैं आपको ये आह्वान करना चाहूंगा और आपके माध्यम से सभी लोगों को, देशवासियों को भी, इस खतरे को नहीं पहचाना तो बाद में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मौका है सबक सिखाने का, जनता समझ गई है। राहुल गांधी जी को निष्कासित करते ही देश में माहौल आक्रोश भरा पैदा हुआ है। अच्छे अच्छे लोग जो कांग्रेस साथ नहीं थे वो भी ही चर्चा कर रहे हैं, ये कैसे कर दिया मोदी जी और उनके लोगों ने। इस घटना को किसी ने लाइक नहीं किया देश के अंदर। मैं समझता हूं कि देश को, देशवासियों को बताने का, समझाने का ये मौका हमारे सामने है। उनका दिल जीतने के लिए हमको संकल्प करके जाना पड़ेगा, यही बात कहता हूं मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।